हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पूनम चौबे। आई एम फ्रॉम आईटी डिपार्टमेंट फ्रॉम द एसआईआईटी कॉलेज। हियर वी विल लर्न अबाउट द प्रोग्रामिंग इन एंड्रॉइड। सो इन टुडेज लेक्चर आई विल गिव यू द बेसिक नॉलेज अबाउट द एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग। सो हियर कैन वी स्टार्ट। So we will continue with the topic of history of Android. You know, previously we have been studying about the overall the history of Android and overall the basic intro of Android, right? So in this session we will discuss, we will learn from where the Android was come, was invented, and why. And who was the inventor of the Android programming system? So let's start with the slide. Here in the screen share or slide, you can see, I think, the history of Android. So right, you can see the Android have also a history like any other. So here is, we can see the slide of history of Android. We can see in the slide there are the pictures of two people and one lady, and one the animation picture is here. So what the slide says, the slide says the started a company, history of Android started the Richard Miner, the Chris White, and the Nick Sears and the Andy Rubin started a company, Android Incorporation, in the Palo Alto, California, United States, October 2003. It was originally intended to make an operating system for smart cameras, but later on they shifted to make operating systems for mobile. स्लाइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फोर पीपल्स आपको दिखाई दे रहे हैं जिनका नाम है रिच माइनर, क्रिस वाइट, निक सेयर्स एंड द एंडी रूबिन। इन चार लोगों ने मिलके एक एंड्रॉइड इंक्लूड कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी स्टार्ट करी थी। कहाँ पे? पालो ऑल्टो में, कैलिफोर्निया में, है ना। दे आर बेसिकली बिलोंग्स टू कैलिफोर्निया एंड यूनाइटेड स्टेट्स, अक्टूबर 2003 में, है ना। देन इन्होंने क्या किया था, इनका इंटेंशन था एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना जो कि किसी भी मोबाइल कैमरा को और अधिक फीचर्स प्रोवाइड कराता हो, और अधिक क्लियरिटी प्रोवाइड कराता हो, और अधिक क्वालिटी प्रोवाइड कराता हो, इसके अलावा एनी अदर फीचर्स जो कि प्रोवाइड हो सकते हैं किसी भी स्मार्टफोन के कैमरे के लिए। तो इन्होंने, इन चारों लोगों ने एक स्मार्टफोन के कैमरे को और ज्यादा फीचर्ड करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया। बट बाद में क्या हुआ, उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरे मोबाइल के लिए ही कन्वर्ट कर दिया, मतलब पूरे मोबाइल डिवाइस के लिए भी इन्होंने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करना शुरू कर दिया। बट बेसिकली हम कह सकते हैं कि जब इसे बनाया गया तो बेसिकली एक कैमरे के लिए इसे बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद एंड्रॉइड, द एंडी रूबिन सजेस्टेड द नेम एंड्रॉइड फ्रॉम अ कैरेक्टर ऑफ फेमस 90s गेम गॉटनेट। जैसा कि आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में आपको एक सिंबल दिखाई दे रहा है एंड्रॉइड का, ग्रीन कलर का, और एक वीडियो गेम सिंबल टाइप दिखाई दे रहा होगा। तो जो ये लेडी है एंडी रूबिन, जिसका पिक्चर आपको राइट साइड पे दिख रहा है, ये एक लोगो डिजाइनर की तरह वर्क करती थी इस कंपनी में। और इसे जब अथॉरिटी दी गई एक लोगो डिजाइन करने की फॉर द एंड्रॉइड सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो बेसिकली इसने इसे कहाँ से लिया, एक कार्टून इन द 90s के जमाने पे एक कार्टून गेम आता था लाइक द मारियो वीडियो गेम। यू कैन सी द सिंबल लाइक दिस, द मारियो वीडियो गेम, है ना। तो ऐसे ही एक कार्टून गॉटनेट था जिसके डिजाइन को देख के इसे एंड्रॉइड के डिजाइन को क्रिएट करने का थॉट आया, ओके। तो बेसिकली फिर एंड्रॉइड का जो सिंबल है वो डिजाइन किया गया on the basic of Gotnet video games logo.
इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं द वर्जन ऑफ एंड्रॉइड। जैसे कि पहले हिस्ट्री में एंड्रॉइड के वर्जन को अपडेट किया गया, उसी तरह टर्न बाय टर्न, ईयर बाय ईयर इसके जो वर्जन थे वो अपडेट होना शुरू हो गए, राइट? तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एंड्रॉइड का बेसिकली एक वर्जन दिखाई दे रहा है जिसका नाम है कपकेक, नेक्स्ट है डोनट, थर्ड है एक्लेयर। आपको ये जान के बहुत ज्यादा बोलना चाहिए शॉकिंग रहेगा कि एंड्रॉइड के जो वर्जन्स हैं वो हमेशा अल्फाबेटिकली ही रिलीज किए जाते हैं। ऐसा क्यों है ये कंपनी का जो ओनर है ये वही बता पाएगा, है ना? बट वी कैन सी देयर इज अ सीक्वेंस अबाउट द वर्जन्स ऑफ एंड्रॉइड, जैसे कि ए बी सी डी, लाइक दिस यू कैन सी। फॉर एग्जाम्पल हियर इज द एग्जाम्पल, फर्स्ट वर्जन कपकेक, सेकेंड डोनट, थर्ड इक्लेयर, द नेक्स्ट स्लाइड वी कैन से द फ्रोयो, नेक्स्ट जिंजर ब्रेड, नेक्स्ट हनीकॉम्ब, नेक्स्ट आइसक्रीम सैंडविच, नेक्स्ट वर्जन जेली बीन, नेक्स्ट किटकैट, देन लॉलीपॉप, देन मार्शमेलो, देन नोगट एंड देन ओरियो। सो हियर वी कैन सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्जन ऑफ एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग, है ना? एंड बेसिकली आपको एक चीज और नोटिस हुई कि इसके सारे वर्जन का नाम फूड आइटम्स के नाम पे डिक्लेयर किया गया, बट वाई सो इट इज, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि दे कैन अट्रैक्ट द यूजर टू यूज द एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, दे वॉन्ट द यूजर यूज टू ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ एंड्रॉयड, है ना? कोई भी चीज आपको तब अट्रैक्ट करेगी जब आपको उसके नाम में कुछ न्यू दिखाई देगा, ओके? आपने बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम सुने होंगे लाइक माइक्रोसॉफ्ट एंड लिनक्स, यूनिक्स, बट देयर इज द नो एक्साइटमेंट इन देयर नेम। आपको इन्हें नाम सुन के कोई एक्साइटमेंट नहीं सुनाई पड़ता, नहीं दिखाई पड़ता कि आप इनका यूज करो, बट जैसे ही आपको सुनाई पड़ता है कपकेक, एक्लेयर एंड द जेली बीन, देन यू हैव एन एक्साइटमेंट टू नो अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम। देन व्हाट इज द स्पेशल इन द जेली बीन, व्हाट इज इन स्पेशल इन कपकेक, सो हाउ वी कैन यूज, सो दिस इज, देयर इज एन स्मॉल एक्साइटमेंट इन यू, है ना? सो दिस एक्साइटमेंट मेक्स यू फील दैट यू हैव टू यूज दिस ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना? तो आपको यही एक्साइटमेंट ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने के लिए क्या करेगा, बार बार एक पुश करेगा। तो इसलिए इनका नाम एक फूड आइटम्स के नाम पे रखा गया है ताकि यूजर्स को एक इंटरेस्ट हो और यूजर इस इंटरेस्ट के हिसाब से यूज करे, ओके, राइट? सो हियर वी कैन सी इन दिस सेशन द ऑल द टाइप्स ऑफ एंड्रॉइड वर्जन्स, राइट? एंड इन द एंड वी कैन सी द लास्ट वर्जन वॉज द ओरियो, बट the one more version has been updated now, this is called the pi, hai na, pi version, and because main aapko pehle hi bata chuki hu ki iske versions alphabetically arranged hain, so o ke baad kya aayega, p m n o p, then oreo ke baad ek versions ka update hua hai jiska naam hai pi, okay? So in this slide we have seen about the history of the Android programming system, okay? So here we have learned about the basic knowledge of Android programming. So stay tuned and keep learning with the SIRT Bhopal. Stay safe, stay healthy, and thank you so much.